डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। I wish you all a wonderful afternoon. I am Priya Kashyap from 9th standard. I feel very fortunate and honored to have an opportunity to deliver a speech in the paper today. I want to wish all the best to all my seniors for a bright future ahead. And I am sure that the hard work you have been doing will definitely bring fruitful success soon. The most difficult aspect of life is to say goodbye to someone. We as your juniors have kept our emotions aside of missing you and made sure that this paper party is one of the days that you will never forget in your life. On behalf of our school and your juniors, I want to wish my all seniors best of luck for your upcoming SSLC board exams that you are waiting impatiently. And I know that one day you all will shine like a sun. And don't forget that you will shine because of your teachers who have inspired you and motivated you for your studies. I want to thank the Almighty for such wonderful, hardworking and motivating teachers. Sometimes moving on with the rest of your life starts with goodbye. New beginnings come from some other beginning's end. And at last, I will say, walk into your new college courageously with your head raised high. Once again, I wish you all the best for your bright future. On this moment, I am grateful and here I want to sum up my words by poetry. And many seniors, you will ask us to salaam rakhna. ऐ मेरे सीनियर की मुलाकात तुम सदा रखना, बिछड़ भी जाओ तो यादों का सिलसिला सदा रखना। असातिज़ा से मिली है जो इल्म की दौलत, असातिज़ा से मिली है जो इल्म की दौलत, तुम अपने शहर में ले जाके हर जगह रखना। अंधेरे तुमको नजर आए जब जहालत के, अंधेरे तुमको नजर आए जब जहालत के, चिराग इल्म की ले जाके उस जगह रखना। यकीन है चले जाएंगे यहाँ से सभी, यकीन है चले जाएंगे यहाँ से सभी, मगर दिलों में अपने लेकिन लवर स्कूल की यादें सदा रखना। अल्लाह ताला का तो वो एहसान है कि इदारा लिटिल फ्लावर स्कूल में 10th स्टैंडर्ड का ये 10वां यानी 10th बैच है। इस बैच में 122 स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम के लिए अपीयर होने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। मैं तमाम स्टूडेंट्स के हक में और उनके फ्यूचर के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूं और तमाम मैनेजमेंट, टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने स्टूडेंट्स को रेडी करने के लिए एक अहम रोल अदा किया है। इससे पहले हमारे इस इंस्टीट्यूट से 9th बैच यानी 9वां बैच फारिग हो चुका है और वो स्टूडेंट्स मेडिकल और प्रोफेशनल कोर्सेज में फ्री गवर्नमेंट सीट हासिल कर चुके हैं। अगर मेरी बात को आप जांचना चाहते हैं तो आप इस उम्र के अंदर कभी और अपनी माँ को देखिए, अपने वालिद साहब को देखिए कि माँ आपकी जो है सुबह उठती है और शाम तक घर का काम करते हैं। सवाल यह आता है सुबह से शाम तक इतना काम क्यों किया जा रहा है, तो उनका एक ही जवाब होता है, अगर आप वालिद साहब से भी पूछे कि अबो क्या वजह है कि आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, फिर हमारे लिए कपड़ों का, हमारे लिए खाने का, हमारे लिए किताबों का, हमारे लिए फीस का इंतजाम करते हैं, तब आप एक ही जवाब उनसे सुनने को मिलेगा कि बेटा हम चाहते हैं कि तुम ये बनो, बेटा हम चाहते हैं कि तुम इंतहा काबिल बनो। और जब कभी आप अपनी माँ को देखेंगे जिनके घर में खासकर रोटियां बनाई जाती हैं, तो माओ के यहाँ हाथ के नीचे दाग लगे हुए रहते हैं, उनको ना कभी इस दाग की फिक्र रहती है, ना कभी इस दाग की शिकायत रहती है, लेकिन अगर कोई चीज की फिक्र और कोई चीज का ख्वाब होता है तो क्या ख्वाब होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आने वाले दिनों में इस काबिल बन जाए कि ये हमारी मेहनत के तुफेल अल्हम्दुलिल्लाह इनकी कामयाबियां पूरे पेपर जिस शहर के गवाह देना शुरू करें, तो ये माँ बाप की कुर्बानी आपके लिए लगाई जा रही है, तो आपके लिए सोचना है कि व्हाट आई हैव टू बिकम। यही मामला एक बार अलेक्जेंडर के साथ होता है।
अलेक्जेंडर यानी जिसे आप और मैं जानते हैं, बड़ा मशहूर बादशाह था। वो इस दुनिया से जाकर कईयों साल हो गया, कईयों सौ साल हो गया। आपको खुशी होगी बेटा, एक दफा वो आदमी की तरह रहता है, थोड़ा आपसे जरा बड़ा 21 और 22 साल का रहता है, लेकिन उन 18 और 17 साल में काम देखना शुरू करता है। जब उसको हथियार चलाना सिखाना शुरू करते हैं तो उसके उस्ताद हंसते हैं, उसके उस्ताद हंसकर बोलते हैं, बाबा तुम ये छोटे मोटे काम करने के लिए ठीक है, लेकिन हथियार चलाने के लिए तुम जो है उस काबिल नहीं है, अभी तुम हथियार नहीं चला सकते। ये बात उस अलेक्जेंडर के दिल में इतना छुप जाती है कि अलेक्जेंडर को बड़ा रात में नींद नहीं आती। वो डिसाइड करता है और जाकर ये बोलता है कि आप मुझे आज कमजोर बोले हैं, आप मुझे आज वीकेस्ट वन बोले हैं, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि मैं सबसे ज्यादा बहादुर और मैं सबसे ज्यादा काबिल बनूंगा। तब वो उसके जो बोलने वाले उस्ताद रहते हैं, उन्होंने बोलते हैं, बाबा अभी 17-18 साल की उम्र तुम्हारी है तो तुम बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए जो तुम्हारे वाले बोले वो काम करो। लेकिन अलेक्जेंडर बोलता है, अलेक्जेंडर भी तुमसे वादा करता है, वो वादा ये करता है कि अब मेरी उम्र 17 साल है, मगर आने वाले 30 साल के बाद देखेंगे और तुम इसकी गवाही देंगे कि आने वाले 30 साल मेरी उम्र जो रहेगी, इन 15 सालों के बाद अगर इस दुनिया के ऊपर कोई राजा पूरी दुनिया पे हुकूमत करा है या जो दुनिया पे पूरी हुकूमत करेगा तो आपके सामने खड़ा हुआ ये अलेक्जेंडर करेगा। तो दुनिया देखती है बेटा कि 30 से 32 साल के अंदर अलेक्जेंडर 17 साल में ख्वाब देखता है और वो ख्वाब 32 साल तक पहुंचते पहुंचते पूरा होता है। तो आप भी ये सोचना कि मैं ये लीफ फ्लावर का एक छोटा सा ये फ्लावर, मगर आज के दिन ये तय करता हूँ कि पूरे 1000